भारत में ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जिसके सीने में छिपे राज को आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसी ही जगह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर ऊनाकोटी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ कुल 9,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ हैं। इन रहस्यमय मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा है, जिसका अर्थ होता है करोड़ में एक कम। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्य में से एक माना जाता है। कई सालों तक इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था, हालांकि अभी भी बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। ऊनाकोटी के रहस्य से भरी यह जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घना जंगल और दलदली इलाकों से भरा हुआ है। अब ऐसे में जंगल के बीच मूर्तियों का निर्माण किसने किया होगा, कैसे किया होगा और क्यों किया होगा, ना ही आसपास कोई गांव या बस्ती निवास करती है। ऊनाकोटी की खास बात यह है कि यहां पर मौजूद असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो इस स्थान को सबसे अलग बनाने का काम करती हैं। ऊनाकोटी में दो तरह की मूर्तियां मिलती हैं, एक पत्थर पर काटकर बनाई गई मूर्तियां और दूसरी पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियां। मूर्तियां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्रतिमाएं हैं जिसमें भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान गणेश आदि की मूर्तियां स्थित हैं। इस स्थान के मध्य भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे ऊनाकोटीश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की यह मूर्ति लगभग 30 फीट की ऊंची बनी हुई है। इसके अलावा भगवान शिव की विशाल मूर्ति के साथ दो अन्य मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिसमें से एक माँ दुर्गा की मूर्ति है, साथ ही तीन नंदी मूर्तियां भी देखी गई हैं। इस स्थान के मुख्य आकर्षण में भगवान गणेश की अद्भुत मूर्ति भी है, जिसमें गणेश भगवान की चार भुजाएँ और बाहर की तरफ निकले हुए तीन दंत को दर्शाया गया है। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति बहुत कम ही देखने को मिलती है। इन अद्भुत मूर्तियों के कारण यह स्थान काफ़ी रोमांच पैदा करता है, जिसके रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जैसे कि यह मूर्तियां किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे ज़रूरी बात कि एक करोड़ में एक कम ही क्यों। आसपास के निवासियों का मानना है कि इन सभी मूर्तियों का निर्माण एक कालू नाम के शिल्पकार ने किया है जो भगवान शिव का परम भक्त था, जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। हालांकि शिल्पकार की जिद के कारण भगवान शिव ने उसे एक असंभव काम दिया कि रातों रात 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बना देगा तो वह उसे अपने साथ कैलाश ले जाएंगी। यह सुनते ही शिल्पकार जी जान से अपने काम में लग गया और तेजी से एक एक करके मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन जब सुबह गिनती की गई तो पता चला कि उसमें एक मूर्ति कम थी। इस वजह से उस शिल्पकार को भगवान अपने साथ नहीं ले गए। माना जाता है कि इस वजह से इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा, यानी करोड़ में एक कम। ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ एवं कथाओं देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।